तो हेलो डूड्स, कैसे हो। तो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले एक ऐसा गेम जो पूरे दुनिया भर में फेमस है। वेल, उस गेम की ग्राफिक्स इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी लोग उसे खेलना पसंद करते हैं। एंड सच कहूं तो मैंने उस गेम को कभी खेला नहीं है, बट आज मैं भी ट्राई करूंगा उस गेम को खेलकर। एंड यू नो गाइस कि उस गेम का नाम क्या है। तो उस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। वेल, माइनक्राफ्ट एक ओपन वर्ल्ड गेम है एंड उसमें काफी ज्यादा खतरनाक चीजें भी होती है। यानी कि उसमें कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि हम पर अटैक करते हैं, एंड उसके साथ ही साथ कुछ स्केलेटन्स होते हैं और कुछ क्रीपर्स होते हैं और भी काफी सारी खतरनाक चीजें होती है। वेल, हमें उस गेम में सर्वाइव करना होता है क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम उन खतरनाक चीजों से बच सके। यानी कि हम उस गेम में सॉर्ड बना सकते हैं जिससे हम उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार सके, एंड हमें माइनिंग भी करनी होती है जिससे हम अपना घर बनाकर उस घर में रह सके। वेल गाइस, ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो अब हम खेलते हैं इस गेम को। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, तो आ चुके हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। वेल, आई गेस सबसे पहले तो मुझे वुड तोड़ना होगा क्योंकि यार अभी मुझे कुछ हथियार बनाने होंगे, यानी कि सॉर्ट, पिकैक्स, एग और भी काफी सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इसे भी तोड़ लेता हूँ, ये तरफ की वुड को भी। एंड उसके बाद यार मुझे ना शायद क्राफ्टिंग टेबल बनाना होगा। क्राफ्टिंग टेबल ऐसे ही कुछ नाम रहता है, एंड उस क्राफ्टिंग टेबल से मुझे काफी सारी चीजें बनानी होगी। ओके, तो चलो अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले ओके ये बनाना होगा, क्या कहते इसे, प्लैंक्स। ओके, ये बनाना होगा मुझे। तो सारे के सारे मैं प्लैंक्स निकाल लेता हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा करना होगा, ऐसा चार। ओके, और फिर बन गया मेरा क्राफ्टिंग टेबल। एंड अभी मैं इसे ले लेता हूँ और अब मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख कर इसमें से सारी के सारी चीजें बनाता हूँ। देख सकते हो ये स्वॉर्ड है, तो स्वॉर्ड कैसे बनाऊं भाई मैं। वेल, मुझे स्वॉर्ड बनाने के लिए ये भी चाहिए होगा, इसे क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। ओके, मुझे स्टिक चाहिए होगा स्वॉर्ड बनाने के लिए, तो मैं स्टिक भी बना लेता हूँ सबसे पहले। वेल ओके, तो मैंने 16 स्टिक्स निकाल लिया है, अब इसके बाद मैं बना लेता हूँ। देख सकते हो गाइस, अभी मेरी ये सारी की सारी चीजें अनलॉक हो चुकी है, यानी कि मैं से कोई भी चीजें बना सकता हूँ। वेल, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ सॉर्ड। ओके, एक सॉर्ड। एंड इसके बाद मैं बनाता हूँ ये क्या कहते हैं, वुडन एक्स। ओके, वुडन एक्स भी बना लेता हूँ। अब उसके बाद मैं बना लेता हूँ ये वुडन पिकएक्स। वेल, इतनी चीज मेरे लिए शायद काफी है, तो अभी मैं चलो इसे तोड़ लेता हूँ। किसे मुझे इससे तोड़ना होगा शायद इसे। एंड गाइस, अभी वुडन पिकएक्स से सारी के सारी वुड काफी जल्दी टूट जाएगी, देख सकते हो, क्योंकि यार हाथ से तोड़ने में काफी टाइम लगता था, बट अभी ये सारी के सारी चीजें काफी जल्दी जल्दी टूट जाएगी। वेल यार गाइस, ये तो चलो मैं समझ गया सिंपल वुडन है, बट ये पता नहीं भाई क्या है, चलो देखते हैं इसे भी तोड़कर। वेल गाइस, देख सकते हो इसका नाम है बीच लॉग। वेल, ये बीच लॉग किस काम में आती है मुझे पता नहीं, देखते हैं शायद हम इसका भी कुछ बना सकते हैं क्या। सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख देता हूँ, उसके बाद जाकर देखता हूँ मैं बीच लॉग का क्या बना सकता हूँ। ओके, तो मैं बीच लॉग की भी ये प्लैंक्स बना सकता हूँ, बीच प्लैंक्स। ओके, मैं ये भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। एंड अब आगे जाकर देखता हूँ मुझे क्या करना है। वेल गाइस, देख सकते हो मुझे यहाँ पर ये मिल गया है, क्या है, व्हाइट वूल करके, तो ये मुझे मिल गया है और इससे शायद हमें ना बेड बना सकते हैं। और यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ मिल गया गाइस, देख सकते हो भाई, मुझे ना शिप को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मुझे ऐसी मिल गई। एंड हाँ, मुझे भूख लगेगी तो मुझे उसके लिए खाना भी ढूंढना होगा। तो देख सकते हो ये चिकन का बच्चा है, अगर मैं इसे मारूंगा तो ये मुझे कुछ भी नहीं देगा, तो चला जा यार दोस्त। वेल, मुझे खाना कहाँ पर मिल सकता है, मुझे कोई ना कोई तो चिकन को ढूंढना पड़ेगा। बट वेट यार, मुझे एक और वुल मिल गया और मुझे वुल के साथ साथ शायद खाना भी मिल चुका होगा। और ओके, मुझे देख सकते हो रॉ मटन मिल चुका है। वेल, ये तो काफी अच्छी बात हो गई। वेल गाइस, मेरा खाने का जुगाड़ तो हो गया है, बट मुझे इस खाने को पकाने के लिए स्टोन की जरूरत होगी, तो चलो मैं जाकर स्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ। वेल, मुझे स्टोन कहाँ पर मिलेगा, वेट, यहाँ पर तो जंगल ही जंगल है, पता नहीं यहाँ पर स्टोन होगा भी या नहीं, हो सकता है कि यही आसपास में कहीं हो, बट वेट यार, मुझे आसपास में भी कहीं दिख नहीं रहा है स्टोन। ओके गाइस, आई गेस वहाँ पर स्टोन होगा, ठीक है। ओके, तो चलो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ क्योंकि मुझे सामने ना पहाड़ी दिख रही है और देख सकते हो मेरा हंगर बार भी काफी कम हो चुका है। यानी कि जैसे इंसानों को भूख लगती है तो उसे भी खाना पीना चाहिए रहता है, उसी तरीके से इस गेम में भी अगर हमें भूख लगेगी तो हमें भी खाना खाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे ना तो हमारी स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। और आई गेस मेरी स्पीड अभी शायद स्लो हो चुकी है, और चलो जल्दी से मैं यहाँ पर स्टोन तोड़ लेता हूँ सारे के सारे। वेल, इस स्टोन से ना मैं काफी सारी चीजें बना सकता हूँ, जैसे कि मेरी वुडन की पिकेक्स है तो उसे मैं स्टोन की पिकेक्स बना सकता हूँ, एंड साथ ही साथ स्टोन की स्वॉर्ड, स्टोन की एक्स और भी काफी सारी चीजें बना सकता हूँ। आई गेस मेरे फर्नेस बनाने के जितने मेरे पास स्टोन हो चुके होंगे। वेट, सबसे पहले तो मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रखकर फर्नेस बना लेता हूँ। फर्नेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर फर्नेस दिख रहा है क्या, ओके ये रहा फर्नेस। ओके, इस तरीके से बनता है ये, तो मैं इसे ले लेता हूँ। एंड अभी यहाँ पर मैं सिंपली इसे रख कर इसमें अपने खाने को डाल देता हूँ, और मैंने इसमें अपना खाना डाल दिया, बट इसमें मुझे नीचे शायद प्लैंक्स लगना होगा। ओके, तो देख सकते हो अभी मेरा खाना पक रहा है। वेल, जब तक मेरा खाना पक रहा है तब तक मैं स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर रखना होगा दो स्टिक एंड
एंड उसके बाद ये कोबलस्टोन को यहाँ पर रखना होगा और देख सकते हो मेरी स्टोन पिकैक्स बन चुकी है। ओके तो यार अभी आग यहाँ पर बुझ चुकी है यानी कि मेरा खाना पक चुका है, तो मैं इसे ले लेता हूँ जल्दी से। और अभी मैं इसे लेकर देख सकते हो गाइस अभी हम कैसा खाना खा रहे हैं और हमारी हेल्थ अभी फुल हो चुकी है और अभी अंधेरा हो रहा है, शायद से शाम होने वाली है यानी कि रात होने वाली है। चलो अभी मैं जल्दी से यहाँ से चले जाता हूँ एंड देखते आगे हमें क्या करना है। वेल गाइस इससे पहले भी मैंने माइनक्राफ्ट देखा है लेकिन खेला नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं इसे खेल रहा हूँ। ओके मैं काफी ज्यादा ऊपर चढ़ गया हूँ, पता नहीं भाई मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पर आसपास में कहीं भी कोई मॉन्स्टर दिख नहीं रहा। वेट भाई साहब बुरे ज़ॉम्बी स्केलेटन भी है। ओ भाई साहब देख सकते हो गाइस नीचे मेरे मॉन्स्टर है जो कि हमारी जान ले सकते हैं। वेट मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि वो हमें किस तरीके से मारने वाले हैं एंड शायद वो हमें मारेंगे, बट वेट गाइस ओ भाई किसने मारा, शिट ओ शिट मुझे किसी ने मारा है भाई। ओ भाई साहब ज़ॉम्बी मेरे पीछे लग चुका है। आ जा भाई तू आ जा, इसे मारूंगा मैं, आ जाओ भाई आ जाओ, ये ले भाई तू ये लो। और कौन आएगा? ओ भाई साहब एक मिनट, सारे के सारों को मार दूंगा, भाग इधर से। ऑल राइट गाइस यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चारों तरफ से मॉन्स्टर लोग ने मुझे घेर लिया है क्योंकि देख सकते हो मेरे सामने ही ठीक क्रीपर है और वहाँ पर भी क्रीपर घूम रहा है और यहाँ पर ना इस तरफ पे स्केलेटन और देख सकते हो भाई एंडरमैन है और ज़ॉम्बी इस तरफ में है और यहाँ पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बोट नहीं है, बट शायद मैं इसे ऐसे भी पार कर सकता हूँ शायद। ओके और शायद मैं पानी में हूँ तो तब तक सेफ रहूंगा क्योंकि आई थिंक सो पानी में कोई मॉन्स्टर नहीं होता, तो अब मैं एक काम करता हूँ पानी में ही रहता हूँ और यहाँ पर आराम से अपनी सुबह होने तक के इंतजार करता हूँ। 5 minutes later एंड हम ही अकेले हैं जो कि इस पानी में सरवाइव कर रहे हैं, बट वेट भाई ओ शिट भाई पानी का भी मॉन्स्टर होता है भाई साहब, यहाँ पर हर जगह पे मॉन्स्टर ही होते हैं यानी कि कोई भी जगह सेफ नहीं है। शिट भाई अभी मैं क्या करूँ, वेट अभी यहाँ पर ज़ॉम्बी भी है भाई साहब, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं काम करता हूँ यार जल्द से जल्द बेड बनाने की कोशिश करता हूँ वरना यार मेरे साथ काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और देख सकते हो यहाँ पर भी ज़ॉम्बी है भाई, मैं भागू तो भागू कहाँ पर, वेल यार छुपने की भी यहाँ जगह नहीं है। ऑल राइट गाइस तो यहाँ पर अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा तो मैं जल्दी से काम करता हूँ मेरा बेड बना लेता हूँ। मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से निकाल लेता हूँ ठीक है, और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख देता हूँ और मैं बेड बना कैसे सकता हूँ, वेल बेड बेड ओके ये रहा बेड और मैंने अपना बेड बना लिया गाइस। तो अब जल्दी से मैं बेड को यहाँ पर लगा के सो जाता हूँ वरना भाई मैं तो गया। ओके फाइनली गाइस मैंने अपना बेड बनाकर फर्स्ट नाइट मेरी सर्वाइव कर लिया है एंड बाकी देखते हैं अभी हमारे साथ क्या होने वाला है। ओके तो अभी सुबह हो चुकी है एंड मुझे आजू बाजू से कहीं से आवाज आ रही है, बहुत ही अलग तरीके की आवाज है। ओके वहाँ से आवाज आ रही है, देख सकते हो शायद वहाँ पर कुछ जल रहा है। वेट भाई ये ज़ॉम्बी था और ये जलकर मर गया, कैसे भाई पता नहीं। वेल मेरे आजू बाजू में कोई जादूगर है क्या, क्योंकि ज़ॉम्बी अपने आप ही जलकर मर गया। 5 minutes later ऑल राइट गाइस तो अभी हो चुका है हमारा दूसरा दिन स्टार्ट, बाकी देखते हैं इस दिन में हमें क्या करना होगा। वेल अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ना कहीं पर माइनिंग के लिए जाता हूँ एंड अपने सारे के सारे जो हथियार है ना उनको स्टोन का बना लेता हूँ ताकि मेरे सामने कोई भी ज़ॉम्बी या कोई भी मॉन्स्टर है ना तो उन्हें ज्यादा डैमेज पड़े एंड स्टोन मुझे देख सकते हो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब मैं जाता हूँ वहाँ पर और काफी सारे स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस तो देख सकते हो मैं ऊपर आ गया हूँ और देख सकते हो मुझे एक अलग सी चीज दिख चुकी है। ये देखो भाई यहाँ पर ये स्टोन काफी नॉर्मल है और ये देखो भाई ये काला काला इस पे कुछ है पता नहीं क्या है एंड देखते हैं चलो इसे तोड़कर अभी हम और देखते हैं इसका नाम क्या है। वेट ये मुझे ये मिला जिसका नाम है कोल। ओके ये कोल है तो यार ये सारे के सारे स्टोन कोल है ठीक है, बाकी मुझे आयरन का पता है और गोल्ड का पता है और हाँ डायमंड का भी पता है जिसमें ब्लू ब्लू होता है लेकिन मुझे कोल के बारे में नहीं पता था। तो चलो अब मैं सारे के सारे कोल को इकट्ठा कर लेता हूँ एंड अपने नेक्स्ट काम के लिए निकल जाता हूँ। एंड डन गाइज ओके तो मैंने सारे के सारे कोल को जो है इकट्ठा कर लिया है, बाकी अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वेट मैं हाँ मुझे स्टोन तोड़ना था, तब मैं सारे के सारे स्टोन को तोड़कर मेरी सॉर्ड और एक्स पिकेक्स सारी की सारी चीजों को मैं स्टोन की बना लूंगा। ओके तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इतनी स्टोन काफी है, तो मैं काम करता हूँ जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल निकाल कर मेरे सारे के सारे हथियारों को बना लेता हूँ। वेल सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक स्टोन की सॉर्ड। ओके एक स्टोन की सॉर्ड मैंने बना लिया है एंड उसके बाद मुझे लगेगी एक स्टोन की एक्स। ओके स्टोन की एक्स ये रही। ओके एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक और चीज है स्टोन शॉवेल। बाय द वे भाई इसका जो है मुझे यूज पता नहीं है तो मैं इसे भी ले लेता हूँ एक। एंड हाँ गाइस मुझे ये टॉर्च दिख रहा है तो यार टॉर्च से मुझे शायद से अंधेरे में उजाला दिखेगा तो मैं इसे भी ले लेता हूँ। वेल टॉर्च बनाने के लिए मुझे एक स्टिक और कोल को इस तरीके से रखना होगा। ओके तो मैं एक काम करता हूँ 8 टॉर्च बना लेता हूँ एंड अब यहाँ से निकल जाता हूँ। ऑल राइट गाइस तो देख सकते हो भाई यहाँ से व्यू काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, देख सकते हो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ से व्यू। एंड आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, वेट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कहाँ
यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त। ओके, तो देख सकते हो भाई मैंने इस तरीके से कुछ करा और मैं यहाँ पर ऊपर आ गया। एंड अगर मैं नीचे गिरूंगा तो शायद बहुत ही बुरी तरीके से मर जाऊंगा। तो यार मैं अभी मर जाऊँ उससे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि यार मुझे इस जंगल में और भी सर्वाइव करना होगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ से उतर रहा हूँ और भाई साहब नीचे भाई काफी आराम आराम से मुझे उतरना होगा। ओके, अब यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पर वेट। ओके, और यहाँ से यहाँ पर एंड यहाँ से जाता हूँ ये वाले झाड़ पर और ये वाले झाड़ से ये वाले झाड़ पर और यहाँ से पानी में जिससे मुझे डैमेज नहीं मिलेगा। ओके, एंड अब निकल लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ फ्लावर्स मिल चुके हैं तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ फटाफट से, क्या पता ये भी शायद मुझे कुछ काम में आ जाए। वेल गाइस, तो देखो यार फिलहाल मुझे इस मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में लगभग 1.5 दिन हुए हैं और मैंने अभी थोड़ी बहुत चीजें माइनिंग भी कर ली है। बट यार इसके आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि अभी मुझे और भी काफी सारी चीजें माइनिंग करनी होगी और भी काफी सारी चीजें बनाना होगा एंड और भी बहुत कुछ करना होगा। बट देखो एक दिन में तो मैं ये सब नहीं कर सकता, इस वजह से गाइस आज की हमारी ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।